हरियाणा का मुस्लिम बाहुल्य जिला नूह अमन का चमन रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर बसा यह जिला सदियों से हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए जाना जाता है। देश व दुनिया में भले ही सांप्रदायिक दंगे होते रहे हों, लेकिन इस इलाके में आज तक ऐसी कोई मिसाल नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इस इलाके के भाईचारे को तोड़ने की नापाक कोशिश एक बार नहीं बल्कि बार बार की जाती रही है। पिछले कई दशकों में ताबड़ू, पुनहाना, भोजपुर, झिरका शहरों में कर्फ्यू तक लगाना पड़ा है। एक बार फिर इस इलाके को बदनाम करने की पूरी साजिश रची जा रही है, जिसमें कुछ मीडिया घरानों के लोग भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। जिले के लोग इस बात से बेहद खफा हैं और नाराज हैं। हमारे पूर्वज भी और हम भी यहीं पैदा हुए थे, यहीं हमारी पैदाइश है और मेरी उम्र 48 साल की हो गई है। यहाँ जैसा भाईचारा मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में होगा। और जब भी हम रामलीला का आयोजन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में करवाते हैं तो उसमें भी मुसलमान भाइयों की भूमिका बराबर की रहती है। तो मैं इस पिनंगवा कस्बे का दूसरी बार सरपंच बना हूँ। कस्बा पिनंगवा में मैंने आज तक ऐसा कोई भी केस नहीं देखा जिससे हमारे भाईचारे पर कोई नुकसान हो। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल तो इस मेवात की पूरा भारतवर्ष देता है और मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात है। कि पुनाने में पिछले एमपी के इलेक्शन में झगड़ा हुआ था, उसमें भी पिनंगवा ने एक छोटे भाई की भूमिका अदा की और हिंदू मुसलमान भाईचारे पर जो दिक्कत और परेशानी पैदा हुई थी उसकी हम ही लोगों ने फैसला कराया था। तो यहाँ भाईचारा एक अपने आप में परिभाषा है और हिंदू मुस्लिम जो लोग हैं वो बड़े मान सम्मान के साथ और भाईचारे के साथ यहाँ रहते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। मेवात जिले के लोगों ने कहा है कि मेवात का भाईचारा सदियों से अटूट रहा है और इसे किसी भी कीमत पर टूटने नहीं दिया जाएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिले में एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हैं। यहाँ पर जातिवाद, बिरादरीवाद जैसी कृतियाँ कम ही देखने को मिलती हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम समाज में कुछ शरारती तत्व मौजूद हैं जो लगातार इलाके के अमन व भाईचारे को खराब करने की जीतोड़ कोशिश करते रहते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन के पास आज तक कोई भी ऐसी एफआईआर या शिकायतें नहीं आई हैं जिसमें कहा गया हो कि हिंदू समाज के लोग एक विशेष समुदाय के आतंक की वजह से पलायन कर रहे हों या फिर उनकी बहन बेटियों को स्कूल कॉलेज आते जाते समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हो। हमने दोनों समाज के लोगों से इस बारे में पुनहाना, पिनगवा, नूह इत्यादि शहरों व गांवों में जाकर ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश की है। देश की राजधानी दिल्ली से 70 किलोमीटर की महज दूरी पर मेवात का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम आबादी बहुतायत में बसती है और यहां सदियों से हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहा है और गंगा जमनी तहजीब का एक बहुत बड़ा गहवारा है जिसकी मिसालें पूरी देश और दुनिया में दी जाती हैं। बहुत सारे संगठनों ने पहले भी बजरंग दल, आरएसएस या दूसरे ऐसे संगठनों ने जो नफरत फैलाते रहते हैं पहले भी भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम नहीं हुए। अभी भी सुदर्शन चैनल के जरिए से बजरंग दल, आरएसएस के कुछ लोग, कुछ संगठन मेवात के सदियों से चले आ रहे भाईचारे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बेजा नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। मेवात में हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारा इतना मजबूत है कि उनकी ये नाकाम साजिश कभी भी कामयाब नहीं होगी और वो इस बार भी मात खाएंगे और इस तरह हमारा जो एक सोशल फैब्रिक है हिंदू मुस्लिम है, हम जनरल सीट से वंचित समाज को सरपंच बना देते हैं, जनरल सीट से हम ब्लॉक समिति का मेंबर बना देते हैं। यहाँ पर पहली ऐसी मिसाल होगी जहां पर जनरल सीटों पर हमारे दलित और वंचित समाज को नुमाइंदगी का मौका मिलता रहता है। ऐसी मिसालें पूरी देश दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। आज भी जब हम देखते हैं मेवात देश के दूसरे हिस्सों में नफरतों की आंधी चल रही है और नफरतों के या फैलाने का एक जरिया बनाया जा रहा है तो मेवात पर भी ऐसे संगठनों की निगाह है, लेकिन यहाँ के हिंदू भाई
और मुस्लिम भाई मिलकर रहते हैं, मिलके रहेंगे, यहाँ पर उनकी ये साजिशें नाकाम रहेंगी। आपको बता दें कि मेवात जिले के लोगों ने बातचीत के दौरान कहा है कि कुछ लोग हैं जो इस इलाके के भाईचारे को देखना नहीं चाहते, वही लोग किसी न किसी तरह से साजिश रच रहे हैं, लेकिन यहां पर जिस तरह के आरोप आजकल लगाए जा रहे हैं या मीडिया में खबरें प्रकाशित हो रही हैं उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। कुछ लोगों ने कहा है कि कुछ संगठनों का भी जिक्र किया है। हमारी टीम ने पेनगामा कस्बे के सरपंच संजय सिंगला, राजकुमार तनेचा, सुभाष सरदार जी, रशीद अहमद एडवोकेट समाजसेवी, रमजान चौधरी एडवोकेट समाजसेवी सहित बहुत से मौजूद लोगों से इस बारे में राय ली। उन्होंने दोटू कहा है कि मेवात जिला अमन का चमन रहा है, इसके अमन को बिगाड़ने की जो लोग कोशिश रच रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, लेकिन दोनों समुदाय के लोग ऐसे लोगों की कोशिश को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। आप देख रहे हैं लियाकत अली पत्रकार की रिपोर्ट। कि हमारे यहाँ पर तो कोई ऐसी घटना घटी नहीं है पिनगुआ में, और ख़ास तौर पर हमारे मेवात में और पिनगुआ में तो बहुत ही वो है, हमारे यहाँ सबसे अच्छा भाईचारा है। हमारे सरपंच बिल्लू सरपंच दो बार सरपंच बने हैं, क्या वो खाली हिंदू की वोटों से थोड़ी बनते हैं, उनको मुसलमान भी वोट देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ से हमारी भी मेरी भी 50 साल की उम्र है, हमने तो इस तरह की कोई घटना देखी नहीं है। हमारे यहाँ बच्चियाँ स्कूल में जाती हैं, कम से कम 1000 बच्चों की स्ट्रेंथ है जिसमें बराबर का रेशो मान के चलो आप हिंदू और मुसलमान की लड़कियों, तो हमने तो इस तरह की कोई घटना नहीं देखी है। ये कुछ लोग मीडिया वाले हैं इस तरह की घटनाएं उठाते रहते हैं बदनाम करने के लिए, ऐसा कोई मामला नहीं है हमारे यहाँ। हम भाईचारे से रहते हैं, मेरे पड़ोस में भी मुसलमान रहते हैं, हमारा अपना तीज त्यौहारों पर आना जाना भी होता है, बहन बेटियों की शादी भी होती है। अभी मेरे पड़ोस में एक मुसलमान की लड़की की शादी थी, हम उसमें शरीक भी हुए थे। ये तो हमारा सबसे बड़ा भाईचारा है हमारे यहाँ पर, इस तरह की कोई घटना नहीं है। ये कुछ लोग मीडिया वाले हैं जिन चीज़ों को तवज्जो देकर ऊपर तक उछालते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट जो उनके पास कुछ नहीं है। ये मेवात के बारे में जो एक प्रोपेगेंडा चला रखा है, सिर्फ ये आरएसएस ने चला रखा है और विश्व हिंदू परिषद ने चला रखा है, जो एक बहुत ही इनकी एक सोची समझी चाल है। जबकि वास्तविक सच्चाई जो जमीन पर देखोगे तो मेवात जैसा भाईचारा तो मैं हिंदुस्तान में तो हम जगह जगह घूमे हैं, पूरे हिंदुस्तान में भी मुस्लिम मेवात जैसा भाईचारा नहीं है। और अगर हम पूरे वर्ल्ड लेवल पर भी देखें तो मैं ये कहता हूँ कि मेवात जैसा भाईचारा हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग इतने प्यार और मोहब्बत और इत्मीनान से रहते हैं कि उससे जैसा भाईचारा तो शायद कहीं मिसाल ही नहीं मिल सकती। ये तो पूरा एक गहदारा है हमारा इस चीज़ का कि जो अमन शांति भाईचारा ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा एक राजनीतिक स्टंट है, लोगों के बदनाम करने का तरीका है। और मेवात को भी कई कई बार ये षड्यंत्र रचे जा चुके हैं, लेकिन हमारा एक भाईचारा और जो प्यार मोहब्बत इलाके मेवात की हिंदू मुस्लिम की है वो इतनी अटूट और गहरी है कि चाहे कितनी कोशिश कर ले और टूटने वाली बात नहीं है, कभी भी नहीं टूट सकता हमारा भाईचारा। आपके पूर्वज रहे हैं क्या क्या ऐसा है कि भाई मेरी उम्र है 52 साल और हमारे दादा परदादा सारे यहीं रहे हैं। जितनी यहाँ मेवात में भाईचारा है, जमुना गंगा जो है साथ है, मगर ऐसा सब कुछ गलत है। दोनों समुदाय के कुछ चंद लोग माहौल ख़राब करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मेरे दो चाचा हैं, एक सोना चला गया, एक पलवल चला गया, वो अपने धंधे की वजह से गए हैं। अब उनको किसको कहेंगे वे प्लान करके? ठीक है, गाँव से लोग आ रहे हैं, हमारा कस्बा है, इसके चारों तरफ मोहम्मदन भाई आ रहे हैं, हिंदू भाई आ रहे हैं। ठीक है, हिंदू भाइयों को तो ये कह देते हैं भाई उन्होंने मुसलमानों ने भगा दिया, जो मुसलमान आ रहे हैं उनको कौन भगा रहा है? उनसे वो अपनी मर्जी से आ रहे हैं ना, फिर आजीविका का जो रोजगार कमाने के लिए आ रहे हैं। ये सारा सरासर बिल्कुल गलत है। मैं लियाकत अली पत्रकार मेवात जिले का नंबर 1 चैनल में आपका स्वागत है। हम दिखाते हैं सच का आईना, रोजाना दमदार खबरें। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें।